नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मीज में। मैं रौनक चौधरी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्यूराला स्टडी टैबलेट के बारे में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यह हमारे पास में सन फार्मा की ड्यूराला स्टडी टैबलेट जो कि है 4 टैबलेट और इसकी जो MRP है वो है 189 रुपीज़। तो करीब करीब आपको 40-50 रुपये की एक टैबलेट मिलेगी। और अगर हम बात करें कि कितने कितने mg में आपको ये देखने को मिलेगी तो 30 mg, 60 mg और 90 mg में आपको ये देखने को मिलेगी। और इसमें से जो सबसे ज़्यादा चलने वाली है वो है 60 mg। तो किस उम्र के व्यक्ति इसको ले सकते हैं? तो 18 से लेकर 64 साल, मतलब 18 से लेकर 64 ईयर तक के लोग इसको ले सकते हैं। और अगर इसके कंटेंट की बात करें तो इसमें एक ही सिंगल कंटेंट है जिसको हम बोलते हैं डेपोक्सटीन हाइड्रोक्लोराइड। IPS के अंदर लिखा गया है क्योंकि ये इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से बनाई गई है। तो ये जो दवाई है मतलब डेपोक्सटीन हाइड्रोक्लोराइड, तो ये शीघ्र पतन में मदद करती है। मतलब जो प्री मैच्योर इजेक्युलेशन की समस्या है उसके अंदर ये मदद करती है। तो अभी हम बात करेंगे कि वो समस्या क्या होती है, पर पहले हम इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो ये दवाई सिर्फ सेक्सुअल कंडीशन में नहीं, बाकी जो दिमाग के मतलब जो मानसिक पेशेंट होते हैं उन्हें भी दी जाती है, जो कि सेरोटोनिन के एक्शन को बढ़ाकर काम करती है। तो जो ह्यूमन का इजेक्युलेशन होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो स्पर्म का इजेक्युलेशन होता है, तो वो रेगुलेट होता है CNS के बहुत सारी जगह से, मतलब जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वहाँ से। तो ये जो इजेक्युलेशन के ऊपर एक कंट्रोल बनाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारी शीघ्र पतन की समस्या कम हो जाती है। तो कौन कौन से लोग इसे नहीं ले सकते, या फिर जब ले तो डॉक्टर को कंसल्ट करें? तो जो लीवर के पेशेंट है, या फिर जो हार्ट के पेशेंट है, या फिर जो किडनी के पेशेंट है, वो तो जब भी इस दवाई को ले तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही ले। बिना डॉक्टर की सलाह के आप इस दवाई को बिल्कुल भी ना लें। साफ सुथरा आती है जो कि हेट्रो कंपनी की आती है, तो उसके अंदर 2 कंटेंट आते हैं, एक सिडानाफिल आता है, डेपोक्सटीन आता है। तो अगर आपको इरेक्शन की कोई समस्या नहीं है तो आपको टेबलेट को नहीं लेना है। अगर आपको सिर्फ समस्या शीघ्र पतन की मतलब प्री मैच्योर इजेक्युलेशन की है तो आप सिर्फ ड्यूरालास 30 ही लें, तो आपका पूरा काम हो जाएगा। और अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो शीघ्र पतन की समस्या है, मतलब जब भी कोई पुरुष शारीरिक संबंध बनाना चाहता है तो समय से पहले ही उसका डिस्चार्ज हो जाता है, या फिर उसका समय से पहले ही इजेक्युलेशन हो जाता है। तो वो जो संबंध बनाना चाहता है तो संबंध भी नहीं बना पाता, और उसकी जो फीमेल पार्टनर होती है वो भी सेटिस्फाई नहीं हो पाती। तो इस समस्या को ख़त्म करने के लिए हम इस टेबलेट का यूज़ करते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको रेगुलरली इस टेबलेट को खाना है, पर जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए जा रहे हैं तब इस टेबलेट को आप ले लें। तो हम जान लेते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट तो काफ़ी सारे आपको देखने को मिल जाते हैं, मतलब आप इसमें से कोई सी भी टेबलेट लेते हैं तो आपको इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते ही मिलते हैं। इसमें आपको नोज़िया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, मतलब उल्टी, जी मचलाना, हेडेक, सिर में दर्द, या फिर स्टमक अपसेट, पेट में कुछ आपको गड़बड़ी लगना, तो ये सारी समस्या हो सकती है। भी अब वेरी करता है किसी व्यक्ति को हो या किसी व्यक्ति को ना हो। अगर हम डोसेज की बात करें तो जब भी आप सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए जा रहे हैं तो 1 से 1.5 घंटे पहले आपको इस दवाई को लेना हो। और आप अगर आप दूध के साथ लेते हैं तो काफ़ी अच्छा है, और जब भी लें आप खाने के बाद में ही लें, क्योंकि ये दवाई काफ़ी हैवी होती है, तो आपको हेडेक जैसे साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जब भी आप इस दवाई को लें अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें, अपने डॉक्टर से पूछ के लें कि आपके लिए ठीक है या नहीं। तो ये था हमारा वीडियो ड्यूराला 30 टैबलेट के ऊपर। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।